हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं और जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। और उस एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे पहली ग्रंथि हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पीयूष ग्रंथि को जैसा कि आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में सुना होगा, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि अन्य सभी अंतस्रावी ग्रंथियों का क्या करती है, नियंत्रण करती है। साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसे हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, तो हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित है, इसीलिए इसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है, यानी कि एक्टोडर्म नामक भ्रूणीय परत से इसकी उत्पत्ति हुई है। रंग जो इसका वो लाल ग्रे है, रेड ग्रे कलर है। ये एक छोटी सी ग्रंथि है जो मटर के दाने के समान होती है। ओके, और यदि मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन की मैं बात करूं तो एक स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर एक अस्थि होती है जिसका की नाम है स्फीनॉइड अस्थि। उस स्फीनॉइड अस्थि के अंदर एक खांच होती है जिसका नाम है सेला टर्सिका। बात समझ में आ रही है आपको? स्फीनॉइड अस्थि स्कल के अंदर एक अस्थि है जिसका नाम है स्फीनॉइड अस्थि, उसमें एक डिप्रेशन है, उसमें एक खांच है जिसका की नाम है सेला टर्सिका। उस खांच में बेसिकली कौन प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये इनफंडिबुलर व्रंथ के द्वारा, एक स्टॉक होता है इनफंडिबुलर स्टॉक, या इनफंडिबुलर व्रंथ के द्वारा ये हाइपोथैलेमस से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। ओके, यहां पर मैंने एक चित्र भी बना रखा है पीयूष ग्रंथि को समझाने के लिए, ताकि मैं अभी आपको पीयूष ग्रंथि के जब विभिन्न भागों को पढ़ाऊं तो आपको बेहतर रूप से समझ में आ जाए। यदि हम पीयूष ग्रंथि को डिटेल में पढ़ें तो पीयूष ग्रंथि को दो पिंडों में विभक्त किया गया है। ओके, एक इसका ये वाला पिंड है, ये देख सकते हैं जो मेरे इस हाथ जहां पर मैं लगा रहा हूं वहां पर आप देख सकते हैं, ये तो पीयूष ग्रंथि का कौन सा है, अग्रपिंड है ये पूरा, और ये वाला जो है पूरा ये पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो होता है अग्रपिंड और एक होता है पश्चपिंड। यदि आप पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को देखोगे तो अग्रपिंड के अंदर यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर, जिसको कि हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, राइट, इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और ये जो पश्चपिंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, तो ये जो अग्रपिंड है जिसको कि हमने एडिनो हाइपोफाइसिस कहा है, इसके अंदर आप देख सकते हो तीन भाग आपको देखने को मिल रहे हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरलिस। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो विकसित भाग है वो कौन सा है, पार्ट्स डिस्टेलिस से आप देख सकते हैं, बल्बस पार्ट पूरा ये क्या है, दैट इज डेवलप्ड पार्ट है। ओके, लेकिन इसका जो ये बीच में जो आपको एक भाग दिख रहा है जो कि एक पतली सी झिल्ली के रूप में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स इंटरमीडिया, जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, पतली झिल्ली के रूप में। और ऊपर की तरफ जो भाग आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ट्यूबरलिस के नाम से जानते हैं। अब आप देखो पश्चपिंड, पश्चपिंड का मतलब होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और ठीक जैसे अग्रपिंड के अंदर तीन भाग थे, यहां पर भी आप देख सकते हो तीन भाग है। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं मीडियन एमिनेंस, क्या बोलते हैं इसे, मीडियन एमिनेंस। ये वाला जो भाग है इसको इनफंडिबुलर स्टेम, इनफंडिबुलर स्टेम के नाम से जानते हैं। और ये जो आखिरी भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। जिस तरीके से अग्रपिंड के अंदर पार्स डिस्टेलिस भाग ज्यादा विकसित था, वैसे ही पश्चपिंड के अंदर सबसे विकसित भाग जो है वो क्या है, पार्स नर्वोसा है। ओके, सबसे विकसित भाग है। ये ऊपर के भाग जो है वो दोनों वो कम विकसित है, ये वाला भाग क्या है, ज्यादा विकसित है। और ध्यान रहे इस पार्स नर्वोसा को हम स्टोरेज ग्रंथि कहते हैं या स्टोरेज ग्लैंड मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसको स्टोरेज ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो देखो अभी आप यहां पर देखोगे कि जब मैं आपको पश्चपिंड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, एक तो ADH जिसको कि हम एंटी डायग्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो दोनों हार्मोन है ये लग तो ऐसा रहा है कि पश्चपिंड के द्वारा निर्मित होते होंगे या न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा निर्मित होते होंगे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, राइट। ऑक्सीटोसिन और ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये कभी भी पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड द्वारा निर्मित नहीं होते हैं,
राइट, ये निर्मित तो किसके द्वारा होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा, और हाइपोथैलेमस के द्वारा निर्मित ये दोनों हार्मोन यहां पर आकर पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड में, यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के पार्स नर्वोसा भाग के अंदर क्या हो जाते हैं, आकर स्टोर हो जाते हैं, और जब भी आवश्यकता होती है शरीर को तो ये दोनों हार्मोन केवल इस पार्स नर्वोसा वाले भाग से स्रावित होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि पार्स नर्वोसा ने इन दोनों हार्मोन को बनाया नहीं है, इन दोनों हार्मोन को बनाया तो हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाने वाले केंद्रकों ने बनाया है, और ये तो केवल यहाँ पर हार्मोन हाइपोथैलेमस ने जो बनाए वो ये दोनों हार्मोन यहाँ पर आकर स्टोर होते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, हार्मोन्स, तो हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा और पश्चपिंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो देखो यहाँ पर अग्रपिंड के द्वारा रिलीज 7 हार्मोन से, पहला तो है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और MSH यानी कि मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो 7 हार्मोन हो गए पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्थापित हार्मोन, और जैसा कि मैंने बताया पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा जो स्थापित हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, ADH है, और कौन सा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। तो आइए हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्थापित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्थापित हार्मोन, और वो 7 कैटेगरी के हैं, उनमें से हम सबसे पहला हार्मोन पढ़ेंगे और उसका नाम है STH यानी कि GH हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये वृद्धि से संबंधित हार्मोन होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। ये देखिएगा अग्रपिंड यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन, अग्रपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन, और पहला हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है STH। STH को हम बोलते हैं सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, इसे हम GH भी कहते हैं, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसे STH या ग्रोथ हार्मोन क्यों कहते हैं, तो ये क्या करता है, इसका कार्य किसके ऊपर होता है, तो यह हार्मोन शरीर के कोमल व कठोर उत्कों पर कार्य करता है व वृद्धि की दर को बढ़ाता है, वृद्धि की दर को बढ़ाता है, राइट, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन क्यों है, क्योंकि ये वृद्धि से संबंधित हार्मोन है, राइट, ये शरीर की वृद्धि से संबंधित हार्मोन है, ये शरीर में वृद्धि जो है उसको थायरोक्सिन के साथ में मिलकर करता है, अकेला ग्रोथ हार्मोन वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है, वृद्धि के लिए थायरोक्सिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों जरूरी है, तो ये हार्मोन शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन से मिलकर और वृद्धि को प्रमोट करता है। ओके, अब देखिए जितने भी हार्मोन होते हैं वो शरीर के अंदर उचित मात्रा में पाए जाने चाहिए, यदि इन हार्मोनों की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाए या थोड़ी ज्यादा हो जाए, दोनों ही केस के अंदर ये क्या विकार उत्पन्न करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं अल्प स्रावण से होने वाले रोग, अल्प स्रावण से होने वाले रोग, अल्प स्रावण का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर STH हार्मोन की या किसी बच्चे के अंदर STH हार्मोन की GH हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन से रोग होंगे, अल्प का मतलब होता है यदि इस हार्मोन का स्रावण कम हो जाए तो सबसे पहला तो रोग आपने सुना होगा बोनापन, ये किसमें होता है, बच्चों में, ये किसमें होता है, बच्चों में ये रोग उत्पन्न होता है, राइट,
कि जब बचपन के अंदर वृद्धि होने की जरूरत होती है, जब वृद्धि हो रही होती है, तब किसी बच्चे के अंदर यदि जीएच हार्मोन अल्प मात्रा में स्थापित हो जाए तो वो व्यक्ति जो है वो किससे ग्रसित होगा, ड्वार्फिज्म से ग्रसित होगा, यानी कि बोनेपन से क्या होगा, शिकार होगा, यानी कि इसके अंदर जो शरीर की जो साइज है, हाइट है, राइट, वो हाइट कैसी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, बोना रह जाएगा। शॉर्ट हाइट का मतलब क्या होता है, बोनापन। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ नहीं तो बोनापन हो जाएगा, राइट। ये जो बोनापन ड्वार्फिज्म से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको हम मिडगट्स कहते हैं। मिडगट्स क्या होते हैं, मिडगट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब सर्कस में जाते हैं तो सर्कस के अंदर बोने होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनको हम जोकर भी कहते हैं। तो वो जो सर्कस के अंदर जो बोने हैं उनको क्या कहते हैं, हम मिडगट्स कहते हैं बेसिकली। तो ये ड्वार्फ या जो बोने लोग होते हैं उनके लिए हम मिडगट्स वर्ड भी यूज करते हैं, मिडगट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो रोग है वो बच्चों में नहीं होता है, वो किसमें होता है, वयस्कों में होता है, और उस रोग का नाम क्या है, साइमंड्स रोग। साइमंड्स रोग ये किसमें होता है, वयस्कों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर होता। तो ये भी जीएच हार्मोन के अल्प स्थापन से, लेकिन ये बच्चों में ना होकर और किसमें होता है, बड़ों के अंदर होता है। और इस साइमंड्स रोग जो बड़ों में होता है उसके क्या लक्षण है, तो एक तो पतलापन, व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जीएच जैसे ही होगा कम होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी कि थिन हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत थिन हो जाएगा। और नंबर दो जो है, वयस्कों के अंदर जब साइमंड्स रोग हो जाता है तो समय के पहले बुढ़ापा, समय के पहले बुढ़ापा, यानी कि उसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगी। प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब है समय के पहले बुढ़ापा, क्योंकि व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए ये उस रोग का क्या है, लक्षण है। अब ये तो हो गया अल्पस्थावन से होने वाला रोग, लेकिन जीएच के अतिस्त्रावन से कौन सा रोग होता है, अतिस्त्रावन से होने वाले रोग जीएच के अतिस्त्रावन से, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होगी, तो जीएच के अतिस्त्रावन से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए दो रोग है, एक का तो नाम है दैट इज नोन एज महाकायता। महाकायता को हम क्या बोलते हैं, महाकायता, या जिसको कि हम बोलते हैं जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म, इस जिजेंटिज्म में क्या होता है कि लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, असामान्य हो जाती है। हाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, असामान्य हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, महाकायता कहते हैं। शरीर की जो लंबी अस्थियां जो होती है, लॉन्ग बोन्स होती है, उनकी लंबाई बहुत बहुत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लॉन्ग बोन्स की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसको हम क्या बोल देते हैं, जिजेंटिज्म। हाइट नॉर्मल से कई ज्यादा, 7 feet, 7 से ऊपर जो है वो हाइट चली जाती है। और दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं, दूसरे रोग को अग्रातिकायता। अग्रातिकायता जिसको कि अंग्रेजी के अंदर हम बोलते हैं एक्रोमिगैली, ये भी किससे होता है, जीएच के अतिस्रावन से होता है। ये बहुत खतरनाक रोग है और इसके अंदर व्यक्ति की जो शक्ल होती है, व्यक्ति की शक्ल गोरिल्ला समान हो जाती है, गोरिल्ला समान हो जाती है, व्यक्ति की शक्ल गोरिल्ला समान हो जाती है। और यहां पर याद रखना कि जो निचला जबड़ा होता है वो एबनॉर्मल बड़ा हो जाता है। निचले जबड़े की बोन बढ़ जाती है, राइट। हाथ पैर की जो बोन्स होती है, हाथ और पैर की जो बोन्स होती है वो भी एबनॉर्मली क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। क्या कहा मैंने, एक्रोमिगैली के अंदर क्या क्या, व्यक्ति की शक्ल गोरिल्ला के समान हो जाती है, निचले जबड़े की बोन बहुत बढ़ जाती है, फेस की जो बोन्स होती है, लिम्ब्स की जो बोन्स होती है, यानी कि अग्रपाद पक्षपाद, उनकी बोन्स भी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमिगैली के नाम से जानते हैं। विशेष तौर से लक्षण जो है वो फेस वाले भाग के ऊपर ज्यादा जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो अल्पस्रावन से होने वाले रोग दो थे, ड्वार्फिज्म और साइमंड्स रोग, और अतिस्रावन से भी होने वाले दो रोग थे, जिजेंटिज्म और अग्राती
काहे का, तो ये जो था वो पहला हार्मोन था, ओके, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्रावित पहला जो हार्मोन था वो कौन सा था, जीएच। अब देखिए हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं और उसका नाम है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। देखिएगा सेकंड हार्मोन अग्रपिंड के द्वारा स्रावित टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, प्रेरणा देने वाला हार्मोन, प्रेरक हार्मोन। तो प्रश्न उठता है कि ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्थापित हो रहा है तो इसका रोल क्या है, तो टीएसएच का रोल क्या है आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीएसएच, टीएसएच क्या है। तो यह हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरणा देता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब पीयूष ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन रिलीज होता है, टीएसएच हार्मोन जाकर और थायराइड ग्रंथि को प्रेरणा देता है और थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कर देती है, स्रावन कर देती है, ओके। तीसरा हार्मोन इसको बोलते हैं एसीटीएच, एसीटीएच का मतलब होता है एड्रीनो कॉर्टिको, हिंदी में भी यही कहते हैं कॉर्टिको, एड्रीनो कॉर्टिको दैट इज ट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। अब प्रश्न उठता है कि वापस से इसका क्या रोल है, तो जैसे कि नाम शो कर रहा है यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है ताकि वह ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स सेक्स कॉर्टिकोइड्स आदि हार्मोन को स्रावित कर सके। सेक्स कॉर्टिकोइड्स ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आदि हार्मोन को स्रावित कर सके, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ए सी टी एच हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन आ रहे हैं वो कौन से, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जनद हार्मोन कहते हैं, जनद हार्मोन। जनद हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका इनकी जो क्रिया होती है वो किसके ऊपर होती है, जनदों के ऊपर होती है, और आप जानते हो कि जनद कितने प्रकार के होते हैं, गोनेड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, टेस्टिस और ओवरीज, उनके ऊपर इनका एक्शन होता है। तो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो कौन कौन से हो गए, तो दो होते हैं, एक का नाम है FSH, राइट, जिसको कि हम बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, या जिसको कि हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, LH हार्मोन, जिसको कि हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो हम अब इन दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तीन हार्मोन्स तो हमने ही पढ़े, चौथा और पांचवा भी हम पढ़ेंगे, FSH और क्या है, LH, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनेड्स के ऊपर, झंडों के ऊपर क्रिया करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं FSH और LH। अब सबसे पहले हम फोर्थ हार्मोन जो कि एक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है उसके बारे में पढ़ते हैं, FSH। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब प्रश्न उठता है कि इसका कार्य क्या है, तो देखिए इसका रोल, सबसे पहले मैं आपको रोल पढ़ाऊंगा मेल के अंदर, नरों के अंदर इसका रोल क्या है, तो नरों के अंदर ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है,
अब शुक्र जनन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये क्रिया कहां चलती है? जनदों के अंदर। कौन से जनद में? टेस्टिस के अंदर चलती है। तो शुक्र जनन की क्रिया को मेल्स में प्रेरित करने का काम टेस्टिस में कौन करता है? FSH। अब इसका हम रोल पढ़ते हैं किसके अंदर? फीमेल के अंदर। FSH का रोल फीमेल के अंदर क्या है? तो फीमेल के अंदर ये क्या करता है कि अंडाशय के अंदर, अंडाशय में पुट्टिकाओं, पुट्टिकाएं समझते हैं ना, पुट्टिकाओं का मतलब होता है फॉलिकल्स, अंडाशय में पुट्टिकाओं के परिपक्वन यानी कि मैच्यूरेशन, परिपक्वन में मदद करता है। अंडाशय में पुट्टिकाओं के परिपक्वन में मदद करता है। और दूसरा जो रोल है इसका वो क्या है? तो मादा जनन हार्मोन यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन के स्त्रावन में भी मदद करता है। तो ये दो रोल हो गए, ये दोनों रोल मेल और फीमेल में FSH के हैं, ये आपको ध्यान रखने। फिफ्थ हार्मोन, ये भी एक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है और उसका नाम है LH हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका रोल मैं आपको पहले फीमेल में बता दूं। फीमेल में, मादाओं के अंदर इसका रोल क्या होता है? तो पहला तो रोल है ये अंडोसर्ग में मदद करता है। अंडोसर्ग समझते हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में मदद करता है। देखिए आतर्व चक्र या रजो चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन को मादाओं के अंदर क्या होता है? अंडोसर्ग होता है। अंडोसर्ग में क्या होता है कि ग्राफीन पुट्टिका फट जाती है और अंडाणु क्या निकल जाता है? बाहर। इसको हम क्या बोलते हैं? अंडोसर्ग या ओव्यूलेशन। इस ओव्यूलेशन में जो हार्मोन मदद करता है वो कौन सा है? अंडोसर्गीय हार्मोन कौन सा है? तो दैट इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा ये क्या करता है? तो ये गर्भाशय को रोपण के लिए, भ्रूण के रोपण के लिए, रोपण के लिए तैयार करता है। यह हार्मोन इतना ही नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम के विकास में मदद करता है। कॉर्पस ल्यूटियम के विकास में भी यह क्या करता है? मदद करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्रावन में भी मदद करता है। तो देखिए इसके कितने सारे रोल है, ये भी एक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है। लेकिन इसी एलएच को मेल में जानते हो हम क्या कहते हैं? ICSH। ICSH का मतलब होता है अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। इंग्लिश में बोलूं तो इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब प्रश्न उठता है LH को मेल में ICSH कहते हैं, तो फिर ICSH का कार्य क्या होता है? ICSH का क्या कार्य है? तो यह हार्मोन लीडिक सेल्स जो कि कहां होती है? टेस्टीज में। लीडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरणा देता है। क्लियर? आपको मैं बता दूं, टेस्टिस के अंदर, वृषणों के अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है, राइट, जिनको शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है, जिनको हम लीडिक सेल्स कहते हैं, इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये ICSH हार्मोन जो होता है वो लीडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्थापित करने के लिए क्या दे देता है? प्रेरणा दे देता है। तो ये LH को हम मेल्स के अंदर क्या कह देते हैं? ICSH कह देते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्थापित पांचवा हार्मोन था। अभी दो हार्मोन और बाकी है, उनके लिए भी देखिए। आप देखिए जो छठा हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
what it is called as prolactin hormone. तो ये sixth hormone start कर रहे हैं prolactin. ये जो prolactin hormone है इसको हम mammotropic hormone भी कहते हैं, mammotropic hormone. इसे चाहे तो हम LTH भी कहते हैं, LTH का मतलब होता है ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन. ये जो हार्मोन होता है इसको हम मैटरनिटी हार्मोन भी कहते हैं, मैटरनिटी हार्मोन भी कहते हैं, राइट. अब इसका कार्य क्या है, प्रोलैक्टिन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ये गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है, स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है. और ये बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो बच्चे को पोषण की आवश्यकता पड़ती है, तो दूध के निर्माण में इस हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान है. तो ये दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी. तो ये हार्मोन जब तक स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण नहीं करेगा तो बच्चे को दूध का पोषण नहीं मिल पाएगा. तो दैट्स वाई इट इसको हम मैटरनिटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं. और सातवां जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्थापित आखिरी हार्मोन है उसका नाम है MSH. MSH क्या होता है, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ये जो हार्मोन होता है, ये ध्यान रहे, स्टार लगा देता हूं कि मानवों में इसका स्त्रावण संदिग्ध है, मतलब डाउटफुल है, राइट. इस हार्मोन को हम इंटरमीडिन भी कहते हैं और ये पार्स इंटरमीडिया द्वारा क्या रहता है, स्त्रावित होता है. और ये मूलतः MSH जो होता है वो फिशेस बर्ड्स वगैरह के अंदर क्या रहता है, सक्रिय रहता है. फिशेस बर्ड्स रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर क्या रहता है, ये सक्रिय रहता है. और ये जो MSH है इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, मेलेनोसाइट में उपस्थित रंगा कणिकाएं यानी कि मेलेनिन ग्रेन्यूल्स, रंगा कणिकाओं को फैला यानी कि डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है एवं त्वचा के रंग को गहरा कर देता है. त्वचा के रंग को ये क्या कर देता है, गहरा कर देता है. तो स्टूडेंट्स ये जो थे वो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्त्रावित सात हार्मोन थे. अब पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा स्त्रावित दो हार्मोन है जिनका के निर्माण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है. और वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इनके बारे में आप जानें. तो हम पढ़ने जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड द्वारा स्त्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा स्त्रावित हार्मोन. नंबर वन है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या चाहे तो आप इसे वैसोप्रेसिन भी कह सकते हो, या चाहे तो इसे पिट्रीसिन भी कह सकते हैं, राइट. ये एक ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है. ये कैसा हार्मोन है, ये एक ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है. और इस हार्मोन का कार्य क्या है, तो यह हार्मोन ग्लोमेरुलर फिल्टरेट से यह हार्मोन ग्लोमेरुलर फिल्टरेट से जल का पुनः अवशोषण करता है,
अब आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पर होता है, नेफ्रॉन के अंदर। अब नेफ्रॉन के अंदर अनेकों भाग होते हैं, लेकिन एक नेफ्रॉन का भाग होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। उस दूरस्थ कुंडलित नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर स्थित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से राइट जल का पुनः अवशोषण जो करता है वो कौन करता है, यह हार्मोन करता है। तो नेचुरल है कि यह हार्मोन मूत्र को, यूरिन को सांद्रित यानी कि कंसंट्रेट कर देता है। और कंसंट्रेट कर देने से क्या होगा, मूत्र के साथ में पानी की शरीर से कम क्या होगी, हानि होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, लेकिन डाईयूरेटिक पदार्थ जैसे चाय, कॉफी एवं शराब यानी कि अल्कोहल शरीर में एडीएच की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे नेफ्रॉन की डीसीटी द्वारा जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता एवं व्यक्ति लंबे समय तक यदि ये कमी रहे और एडीएच लंबे समय तक शरीर में कम होता रहे तो एवं व्यक्ति डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। ध्यान रहे ये डायबिटीज मेलिटस नहीं है, डायबिटीज मेलिटस तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की कमी से होती है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंदर चाय, कॉफी और शराब की बहुत अत्यधिक मात्रा अपनी दिनचर्या में लेना शुरू कर देता है तो एडीएच की मात्रा कम हो जाती है और जो किडनी के जो नेफ्रॉन का जो डीसीटी पार्ट है वो जल का पुनः अवशोषण नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। और डायबिटीज इंसिपिडस का क्या होगा, लक्षण क्या होगा, पोलीयूरिया मतलब मूत्र का बहुत अधिक स्रावन होना, यानी कि जब शरीर से नेफ्रॉन वाला जो भाग है वो जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा तो मूत्र सांद्रित नहीं हो पाएगा और मूत्र जो है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा शरीर से बाहर निकलेगी और ये शरीर के लिए घातक हो सकती है और ये रोग का कारण बन सकती है डायबिटीज इंसिपिडस। यदि आप अपने एडीएच की मात्रा को नियंत्रित रखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एडीएच उचित मात्रा में स्थापित होता रहे तो कम से कम चाय, कॉफी और शराब का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं, ये तो था एडीएच हार्मोन। अब एडीएच के बाद में जो दूसरा और अंतिम जो हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड के द्वारा स्रावित होता है और उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन भी एक ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी कैसा है, एक ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है वैसोप्रेसिन के समान ही और इसके भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है राइट। और वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आप चाहो तो पीटोसिन भी कह सकते हो। अब प्रश्न उठता है ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, तो ये मुख्यतः फीमेल्स में इसका रोल होता है। और ऑक्सीटोसिन का पहला रोल और वो क्या है कि ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक बर्थ हार्मोन। इसको हम बोलते हैं क्विक बर्थ हार्मोन, मतलब ये बच्चे के जन्म में बहुत बहुत क्या होता है, सहायक होता है। क्यों होता है सहायक, इसको क्विक बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संकुचित करता है। ये गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संकुचित करता है जिसके कारण मां में प्रसव पीड़ा, बच्चे के जन्म के वक्त में जो मां में पीड़ा होती है उसको प्रसव पीड़ा या लेबर पेन्स कहते हैं। कारण मां में प्रसव पीड़ा या लेबर पेन्स, मां में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है
जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। जिस माँ में गर्भकाल पूरा होने पर यदि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसी कारणवश स्रावित नहीं होता है तो बच्चे के जन्म में दिक्कत आती है और फिर बच्चे का जन्म सीजेरियन या शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्विक बर्थ हार्मोन। साथ ही साथ ये क्विक बर्थ हार्मोन ही नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। हिंदी में लिखूं इसे तो इसे बोलते हैं दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। क्यों कहते हैं, तो ये क्या करता है, इसको दुग्ध स्त्रावी हार्मोन क्यों कहते हैं, राइट। जैसा कि हम जानते हैं बच्चे के जन्म के बाद में 6 महीने तक बच्चा पानी की बूंद भी बाहर से नहीं पीता है, वो केवल और केवल माँ के दूध के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो जैसे ही बच्चा माँ के स्तन ग्रंथियों के पास में आता है तो उसके रुद्रन की जो आवाज़ है, बच्चे के रोने की जो आवाज़ है, वो सीधी हाइपोथैलेमस, माँ के हाइपोथैलेमस पर पहुँचती है और माँ का जो हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड को ये प्रेरणा देता है कि एक हार्मोन को रिलीज करो जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। ये हार्मोन कैसा है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, तो बच्चे के मुंह में क्या आ जाता है, दूध का स्त्रावन हो जाता है, तो इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया, तो यह हार्मोन मतलब ऑक्सीटोसिन, यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों को संकुचित करता है ताकि माँ द्वारा दूध का स्त्रावन हो सके। तो इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। तो इसको हम दो नामों से जानते हैं, चाहे तो हम इसे क्विक बर्थ हार्मोन भी कह सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थे वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित 9 हार्मोन थे। मेरे वीडियोज को देखते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।